ESL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्ते साथियों, मैं सुनंदा कदम जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से आप सभी की दुआ से बड़े हादसे से बाहर आकर भगवान की कृपा से आप सभी के बीच में आई हूँ। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथियों, मैं आप सभी को PSL मैटर के संदर्भ में लीगल जानकारी देना चाहती हूँ। 25 नवंबर को जनलोक प्रतिष्ठान की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो सबका मिलकर डिसीजन हुआ उस पर जनलोक प्रतिष्ठान ने वर्किंग चालू किया। 6 दिसंबर को जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मैटर सर्कुलेट करके उसकी गंभीरता बताई और 7 दिसंबर को पूरा मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लग गया। 7 दिसंबर की सुनवाई में सभी पार्टी के वकीलों ने अपनी अपनी राय बेंच के सामने रखी। सेबी के वकील ने कहा कि सेबी प्रॉपर्टी बेचने में असफल रही। माननीय लोढ़ा कमेटी की तरफ से प्रपोजल के बारे में पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख गई है। जनलोक प्रतिष्ठान ने भी बड़े लॉयर को हायर किया है। उन्होंने PSL के 6 करोड़ इन्वेस्टर के हित में, जो आखिर के निवेशक तक पेमेंट देने के लिए तैयार है, जिसकी पूरी लायबिलिटी उठाने की तैयारी है, उनको ही प्रपोजल देना चाहिए, वही बेंच के सामने रखा। जज साहब ने लोढ़ा कमेटी का रिपोर्ट दिखाया जो काफ़ी बड़ा है और मैं पूरा रिपोर्ट पढ़कर सिर्फ और सिर्फ निवेशकों के हित का ही डिसीजन पहले देने वाला हूँ। बाकी इससे रिलेटेड जो मैटर है उस पर निवेशकों का मामला निपटाने के बाद सुनवाई होगी और 14 दिसंबर को प्रपोजल पर डिसीजन देने का जज साहब ने सुनवाई में कहा। बहुत दिनों में डेट नहीं लग रही थी, कोर्ट ने डेट देकर सुनवाई की सभी PSL निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जनलोक प्रतिष्ठान 2015 से 6 करोड़ निवेशकों की तरफ से सैट कोर्ट से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। सैट कोर्ट में सेबी PSL की प्रॉपर्टी की कीमत 11,000 करोड़ बोल रही थी, लेकिन आज उसी प्रॉपर्टी की कीमत 49,000 करोड़ तक बढ़ गई है। जो प्रॉपर्टी MR नंबर लगने के बाद भी बेची जा रही है, जनलोक ने सभी जगह लेटर देकर एक्शन लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है और उनको पता नहीं, लेकिन लैंड माफिया उनको प्रेशर देकर बहुत थोड़े पैसे उनको देकर ये लैंड बेच रहे हैं। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी है उनका बनावट पैन कार्ड आधार कार्ड बनाकर भी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बेची जा रही है। सभी लैंड माफिया ये सब काम कर रहे हैं और हमारे बीच में झगड़ा लगाने का भी काम कर रहे हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। हमें सबको इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। जनलोक प्रतिष्ठान 2015 से PSL के 6 करोड़ निवेशकों के लिए लगातार कानूनी तरीके से काम कर रहा है और हमने सभी सिस्टर कंपनियों की लिस्ट भी लोढ़ा कमेटी और सभी रेगुलेटरीज को दी है। इस सब का नतीजा अभी सुप्रीम कोर्ट और लोढ़ा कमेटी की तरफ से जल्द ही सामने आएगा। जैसे कि PSL निवेशकों के अकाउंट में 2,500 करोड़ गए, वैसे ही आगे भी हम आखिर के निवेशक तक कार्यरत रहेंगे। जो कोई एक्टिवली काम कर रहा है उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी के सहयोग से सफल हो गए, आगे भी आप सभी के सहयोग से आखिर के निवेशक को पेमेंट देने में कामयाब हो गए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे भारत देश के सभी पीड़ित साथियों को जो कि किसी भी कंपनी से प्रताड़ित हैं, मुख्य रूप से PSL कि हम बात करेंगे आज। साथियों, मैं अपना परिचय एक बार फिर से देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर साथी, नए लोग के पास वीडियो पहुँचता है। मेरा नाम एडवोकेट अमित गर्ग है। मैं जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और PSL में मेरी जॉइनिंग 18 जनवरी 2008 में हुई थी। 2011 के वर्ष के बाद जब विवाद हुआ कंपनी में, तो मैंने कार्य करना बंद कर दिया था, प्रमोशन नहीं लिया था। 2014 के बाद तो कंपनी बंद हो गई, तो इस प्रकार से मैंने चौथी रैंक के बाद बिल्कुल भी काम बंद कर दिया था। मेरी रैंक जो थी वह 4th रैंक है, तो न तो मैं सीनियरों को दिल्ली में बहुत ज़्यादा जानता कहाँ पर क्या है, लेकिन ये लड़ाई हमारे सबके मान सम्मान की है, तो मैं हमेशा सीनियरों से विवादित स्थिति में बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले आज बात करूँगा जो ये घटनाक्रम आज चल रहा है देश में, कि सब कुछ होने के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। लोगों के तमाम तरह के प्रश्न आते हैं,
कि दिल्ली में गए हम लोग, क्या किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं सभी साथियों कि जो भी दिल्ली आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दूसरा ये कि ये लड़ाई हम सबकी है, इसलिए हम लोग दिल्ली आए, किसी के बुलाने पर नहीं आए। हम सब दर्द से पीड़ित हैं, इसलिए हम दिल्ली पहुंचे। 30 दिन की भूख हड़ताल रखी थी, उसके बाद हम सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि पैसा किसी के पास नहीं है, हम सिर्फ लड़ने वाले लोग हैं और लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो गुमराह करने का प्रयास शुरुआत से लेकर आज तक कर रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा। मैं बात करता हूँ चंद्रशेखर जी की, जो अभी 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ लीगली की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आरआर बागा जी से किसी से उन्होंने 3 लोगों ने मिलकर फोटो खिंचाए, एक जो असिस्टेंट टाइप लड़के से फाइल वाइल के साथ फोटो खिंचा के भेज दिए 3 लोगों ने खड़े होके कि हम बात कर आए हैं और अब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा मैटर है चोरी का, और वो वकील करके आ गए हैं चोरी के मैटर में। बिल्कुल सोचने की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा चंद्रशेखर जी, और मैं सभी YouTube चैनल से और सभी से कहूँगा इस मैसेज को अधिक से अधिक वायरल करें। देखिए, मेरा किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं, ये तर्क वितर्क है। अब मैं आपसे रोजाना पंजाब के अंदर बैठकर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन आपके वीडियो का जो मुझे लगता है मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप देश को अपना परिचय दें पूरा। आपकी ज्वाइनिंग PSL में कब हुई थी, आप उसमें किस पद पर थे, उसके कंपनी बंद होने के बाद आपने क्या काम किया, क्या किसी अन्य कंपनी में डायरेक्टर रहे या नहीं रहे, इसका जवाब आप स्वयं दें। आगे से जो भी वीडियो जारी करें अपना पूरा परिचय दें। जैसे मैं दे रहा हूँ कि मेरी 4th rank की 2008 में ज्वाइनिंग करी थी 18 जनवरी, आप भी अपना पूरा परिचय दें कि आप PSL में क्या थे। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि आप कोर कमेटी मेंबर थे और उसके बाद लोटस में डायरेक्टर रहे। दूसरा, लीगली की आप बात कर रहे हैं, 6 करोड़ लोगों के लिए जो संपत्ति जब्त की CBI ने, सेबी ने, उसको लोढ़ा कमेटी पूरी ताकत होते हुए नहीं निकाल पाए, पूरी पुलिस फोर्स नहीं निकाल पा रही, ED CBI नहीं निकाल पा रही, पूरा तंत्र है उनके पास। चोर पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है ना, हम उससे नहीं उगलवा पा रहे। निर्मल सिंह भंगू जैसा हरामी आदमी जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, उसको सबसे पहले चोर कहने वाले थे सरदार महेंद्र पाल जी। और मैं कहूँगा अपनी वीडियो में, यदि आप बाकी में निवेश करना चाहते हैं तो कहिए निर्मल सिंह भंगू चोर है। आप प्रॉपर्टी ढूंढेंगे 192 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ, आप अमृतसर में मीटिंग करेंगे 30 दिन तक, 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक कहाँ थे आप, जब हम खुले में बैठकर सबको बुला रहे थे कि आइए चर्चा कीजिए कैसे ये पैसा निकले। आप आए भी थे, फोटो भी खिंचाया था महेंद्र पाल सिंह के पास के साथ आपने, कि आप आए थे। आपने तब दिल्ली के मंच पर ये चर्चा क्यों नहीं करी संसद मार्ग पर, रोड पर, कि हमारे पास रणनीति है, हम भी आपका साथ देते, लोगों को बुलाते। आज आप गुरदासपुर पहुंचकर और फिर वकील के पास जा रहे हैं, 30 दिन में आप वकील के पास नहीं जा पाए सुप्रीम कोर्ट, आप वहां रुकते 10 दिन, सुप्रीम कोर्ट जाते, हम लोगों भी साथ ले जाते, हमें भी तो पता चलता कि आप कितने सही हैं। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर मुझे लग रहा होता कि आप सही हैं तो आप मुझे साथ लेते वहां सुप्रीम कोर्ट ले चलते, हम भी बात करके आते आपके साथ, और फिर वहीं से हम ऐलान करते कि हाँ चंद्रशेखर जी की बात में दम है। क्योंकि 30 दिन बाद, 30 दिन तक आपके पास कोई रणनीति, उससे पहले 2 महीने पहले आपने कहा था नहीं साहब लोढ़ा कमेटी का ग्राफ करना चाहिए, पूरे देश के लोगों को मेरे साथ आओ। भाई अब लोढ़ा कमेटी का ग्राफ भी खत्म हो गया, वो भी नहीं हो पाया, अब आप सुप्रीम कोर्ट में एक नया फंतूरा लेकर आए हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। जो व्यक्ति निर्मल सिंह भंगू पुलिस कस्टडी में है, जिसके की 10 अगर उतार के नंगा करके ना साले को मारा जाएगा तो वो सभी प्रॉपर्टी बता देगा कहाँ है, नहीं तो 1 दिन की पावर दिलवा दो मैं आपको बताता हूं कि वो अपने मुंह से बके, लेकिन नहीं, वो अंदर है तो प्रॉपर्टी नहीं निकलवा पा रही, जब दी उसने सारे काम है। कोर कमेटी मेंबर में कौन कौन थे आप लिस्ट जारी करिए, पता चल जाएगा। आप 192 लोगों के 10 लीगल टीम बुला रहे हैं, फिर वो खोजबीन करेंगे, उनके पास इतना तंत्र है यार, किसे बेवकूफ बना रहे हैं चंद्रशेखर जी। जो काम हिंदुस्तान की पूरी पुलिस नहीं कर पा रही, ED नहीं कर पा रही, लोढ़ा कमेटी जैसे पूरे न्यायाधीश नहीं कर पा रहा, वो काम आप करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि आंदोलन में लोग अपने लिए आए थे, क्योंकि हम लोग 30 दिन बैठे हुए थे, हमने नहीं कहा था किसी से भूख हड़ताल, मैं पूछ के रहे, हमने करी लोगों मानवता के नाते और अपने दर्द के नाते आए वहां इकट्ठा। अब आप बुला रहे हैं पंजाब,
192 लोगों से 10-10 लोगों को, यानी कि 1920 लोग आपके पंजाब अमृतसर आए, यानी एक व्यक्ति का खर्चा कहीं से भी जाएगा तो मैं मामूली बात है 1000 रुपये खर्च होंगे आने जाने में एक व्यक्ति के, यानी 1920 × 1000 टोटल कराइए 19,20,000 रुपये में तो पंजाब में मीटिंग होगी, सब प्लानिंग मीटिंग 19,20,000 रुपये खर्च करके अमृतसर में 1920 लोगों की, तब आप प्लान बताएंगे। आप यूट्यूब पे प्लान बता दीजिए, क्या प्लानिंग है आपकी, पूरा देश कर लेगा 19,20,000 रुपये खर्च करके, तब आप प्लानिंग करेंगे अमृतसर में एक व्यक्ति जाएगा, यानी 10-10 लोग एक डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे वहां पर 19,20,000 रुपये खर्च करने के बाद। पता नहीं क्या मजाक चल रहा है इस देश में। भंगू कस्टडी में, हाँ अभी बात मैंने वीडियो सुना था, आप कह रहे थे आप पीएसएल ऑफिस गए थे और ढिल्लो करके कोई डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, दो तमाच नहीं मारेगा इस साले के, अच्छा काम कर रहा है, मैनेजमेंट का आदमी बाहर है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, लोगों को जिनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जिनसे पैसा खाया, क्योंकि आदत है 2011 में बीड़ी खाया था लोगों ने और एजेंटों को छोटे निवेशकों को गुमराह किया था, और आज भी कुछ लोग गुमराह करने का काम आज भी मैनेजमेंट के इशारे पर कर रहे हैं, पैसे पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लड़ाई बिल्कुल अंत तक है, लोड़ा फंस चुके हैं, सेबी भी घबराई हुई है इतने बड़े आंदोलन से, सुप्रीम कोर्ट भी हाथ पैर फूल रहे हैं उसके कि क्या करें, क्योंकि उन्हें तो गुमराह करना था, प्रपोजल वेयर का केवल नाटक था, इस प्रपोजल से कोई किसी को पैसा नहीं मिलना था, इसलिए ऐसे लोगों को, क्योंकि मानसिकता जो आज भी बनी हुई ना कोर कमेटी या ऊपर के मेंबर्स की, वो वही बनी हुई है, जी हुजूर भंगू जी भगवान है उनके लिए, आज भी हमारे लिए नहीं भगवान है, हमने काम किया अपना कमीशन लिया, चोर है चोर है। अब क्या क्या दिखाएं, चंद्रशेखर जी सबसे पहले ढिल्लो से बात करते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहा है साहब, साला 4 साल में आज तक तुम जमीन नहीं दे पा रहे, पूरा सिस्टम आपके पास है, सुब्रत भट्टाचार्य के पास है, आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, पूरे देश से वकील के नाम पर आप ठगने का काम कर रहे हैं, नई नई दुकानें खोलने का काम कर रहे हैं। मैं हमेशा आता रहूंगा सामने, यदि कोई भी इस देश में गुमराह करेगा किसी को, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, मैं न राजनीतिक था न राजनीतिक से कोई मेरा लगाव है, विशेष सिर्फ लड़ाई को लड़ने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही, हमने ऐसा कोई अभी वो काम नहीं कर दिया, ये लड़ाई थी और जारी रहेगी, लेकिन गुमराह करने वालों को अब मैं सावधान रहने, संगठन में लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए बहुत से में, लेकिन काम के नाम पर जियो, कभी भंगू की बुराई नहीं करना चाहता व्यक्ति, भंगू तो बहुत ही ईमानदार था, और उसी मानसिकता के लोग आज, क्योंकि मालूम पड़ चुका है कि अब सरकार हिलने वाली है, भंगू हिलने वाला है, बुरी तरह से फंस चुका है, इसलिए उसके लोग तन मना रहे हैं, नया नाटक शुरू कर दिया आपने, आप 30 दिन में क्यों नहीं आए दिल्ली के अंदर, क्यों अपनी रणनीति साझा नहीं करी, आज फिर से अब लोगों को बुला रहे हैं, दिल्ली में रणनीति पर चर्चा क्यों नहीं गई, गुमराह करने का मैनेजमेंट और सरकार मिली हुई है, चोर उनके पास है, आप कह रहे हो प्रॉपर्टी ढूंढवाइए पूरे देश में, मतलब कि चोर पुलिस के पास है, हवालात में बंद है, दो मतलब एक छोटे से व्यक्ति के लिए आप थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर सकते, पूरे देश का मैटर तो उससे जमीनें और उससे नहीं बोलवा सकते, उसके अलावा प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास। साथियों मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं मीठा नहीं बोल सकता, राजनीति लोग कहते हैं कि हम राजनीतिक हैं, मेरी भाषा आपने कभी सुनी है, राजनीति में लोग मीठा बोलते हैं सबकी तरह, इसको भी कर लो उसको, मैं कभी मीठा नहीं बोलता, क्योंकि मुझे राजनीति में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपना मान सम्मान चाहता हूँ वापस, पैसा चाहता हूँ, लोगों का चाहता हूँ, मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन महेंद्र पाल जी का साथ सिर्फ मैंने एक लिख के भी डाला था, इसलिए दे रहा हूँ कि अगले व्यक्ति के ऊपर 16 मुकदमे हैं, दम हो तो अपने ऊपर मुकदमे करा के दिखाएं लो, और कोई रास्ता नहीं था, बाकी आपकी इच्छा है, आप जिसके इच्छा है वहाँ जाएं, लीगली आपको लगता है तो जीत जाएंगे, बहुत छोटा सा मैटर है, पूरा हिंदुस्तान जिसमें पूरी फोर्स लग गई वो नहीं करवा पाए, बड़े से बकरी राम जेठमलानी का नाम यूज़ कर रहे हैं, पहले प्रशांत भूषण का नाम यूज़ किया गया, भाजपा का साहब राम जेठमलानी के साथ काम किया साहब आर बागाई ने, उनको सामने लेकर आइए आर बागाजी को, यूट्यूब पर लेकर आइए, बताइए क्या प्लानिंग है आर बागाजी, कितनी फीस है, कितनी फीस में आपने तय किया, पूरे देश को बताइए, सामने बताइए सारी चीज़ें, मत बुलाइए, आजकल किसी के पास इतना पैसा और समय नहीं है, हम लोगों ने आंदोलन किया था इसलिए 30 दिन बैठे थे, लोग आए हमने नहीं कहा, और हम आगे लड़ते रहेंगे, इसलिए
जो भी बात है आप बताइए, स्पष्ट कीजिए क्या रणनीति है, 192 डिस्ट्रिक्ट से लोग आप क्यों बुला रहे हैं, 19 लाख रुपए आप खर्च करवाएंगे 1920 लोगों के, तब लोगों को आप प्लानिंग बताएंगे। 4 साल बाद आप निकल के लीगली फाइट कर रहे हो, जो 4 साल निकल चुकी, जिसमें मेन चीज आप कहते हो हम प्रपोजल पास करवाएंगे, एक वकील इतने वकीलों को के साथ डिस्कशन कर लेंगे। खैर सब मेरी दिमाग से बाहर है, आपकी चीज है, बाकी की दुनिया जाने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। आपके पास सभी के पास बुद्धि है, आप घर बैठकर काम कीजिए, लोगों को जागरूक करने का काम कीजिएगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता।